अच्छा सबसे पहले तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अपना स्लीपिंग शेड्यूल, ईटिंग शेड्यूल, ये सब थोड़ा फिक्स होना चाहिए। और डिसिप्लिन ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई दोस्त आ गया कमरे में कि चल समोसा खाने चलते हैं यार, चलो मोमोज खाने चलते हैं, ऐसा नहीं करना। दूसरी बात यार, ऑफलाइन में बैकलॉग मुझे नहीं समझ आया तुम लोगों ने कैसे किया है, एटलीस्ट ऑनलाइन में समझ आता है। अच्छा, अगर ये ऑनलाइन का ही बैकलॉग चल रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है यार, कंपटीशन के बारे में नहीं सोचना है कि यार बैच में मेरे 200 बच्चे हैं, बैच में मेरे 400 बच्चे हैं, मेरे कोचिंग में 500 बच्चे हैं, ये सब नहीं सोचना है। आपका कोई मतलब नहीं है कंपटीशन कितना है। आप आपके जो नंबर आएंगे वो आपने कितनी पढ़ाई की उससे आएगा। आपको ये नहीं सोचना है यार कि मुझे बस इससे ज्यादा पढ़ लेना है या फिर मुझे इससे ज्यादा पढ़ना है। आप कॉम्पिटिशन को विजुअलाइज नहीं कर सकते हो, क्योंकि लाखों बच्चे देते हैं। आप ऐसे नहीं देख सकते हो कि मैं इससे ज्यादा पढ़ लूँ या इससे ज्यादा पढ़ लूँ या फिर बस। आपको अपने एब्सोल्यूट पढ़ाई पे ध्यान देना है कि मेरे कंसेप्ट स्ट्रांग कितने हैं, ठीक है। तो पीयर प्रेशर फिर उसमें आएगा ही नहीं। ये बहुत बड़ी मेंटल हर्डल होती है पीयर प्रेशर, कंपटीशन, कि मेरे बैच में 200 बच्चे हैं, मैं तो इस पोजीशन पे आ रहा हूँ। आपको सोचना ही नहीं है, वो आपके कोई भी कंट्रोल में नहीं है। जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है आप उस पर सोचकर सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे। दूसरा बंदा कौन सा सवाल गलत कर रहा है, कौन सा सवाल सही कर रहा है, उसको क्या आता है, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपनी पढ़ाई कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा होगा कि आप सिर्फ अपनी ही पढ़ाई पर ध्यान दें। दूसरी बात यार, बैकलॉग बैकलॉग क्लियर करने के लिए। एक लाइन मैं भी पूछूंगा, नहीं भैया आपसे पूछूंगा। मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना कि देखो मैं ऐसा इंसान होता हूँ जिसको इधर का भी पता होता है, इधर का भी पता होता है। मैंने आपसे कहा था कि अगर यहाँ खड़ा कर दूंगा किसी टॉपर को तो वो कैसी बातें करेगा। आप सुन रहे हैं ना भैया को भी? ओ माय गॉड, कैसा लग रहा है। ओहो, आइडियल कंडीशन भाई, बैकलॉग नहीं होना चाहिए, होमवर्क नहीं होना चाहिए। भैया आप भी डिस्ट्रैक्ट हुए थे। अच्छा यार, आईओसी की बात करें तो अच्छा, बाकी सब्जेक्ट्स में तो आप हाँ डिस्ट्रैक्ट, मैं भी हुआ था, काफी हुआ था इनफैक्ट, बहुत। वो मत पूछो, वैसे बताएगा क्या? कोई भी रीजन रहा होगा, स्लीपिंग साइकिल बिगड़ गया इसलिए डिस्ट्रैक्ट हो गया, फिर यूट्यूब पर आपके देखने लग गया इसलिए डिस्ट्रैक्ट हो गया, कवर अप करने के लिए एक्स्ट्रा बुक उठा के कर लिया डिस्ट्रैक्ट हो गया। बहुत सारे रीजन अलग अलग सबके होते हैं, आप सबको अपने रीजन से नहीं कोरिलेट कर सकते। हाँ, उनका उस भैया का नाम है कोरिलेट, इसलिए थोड़ी नो नाम ही रख दिया मैंने, मतलब मैंने रखा हुआ है। अब सुनो, अभी दूसरा सवाल सुनो, बड़ी मजेदार चीज, मजेदार चीज, रुक जाओ। सच्चाई सच्चाई बताएगा कि झूठ तो बोले नहीं। क्या ये टॉपर भी सर को फोन करके इसी तरह से जैसे आप पूछते हो कि सर बहुत डर लग रहा है, नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, ऐसा पूछते हैं? जरा पूछना इनसे कि इन्होंने क्या विजय सर को फोन किए थे ऐसे? किए थे क्या टेस्ट से पहले भैया आपका भी सिलेबस अधूरा रहता था? रहता था। क्या आपको भी सर फोन करके फिर ये डांटते थे कि अगले टेस्ट में अगर नहीं होमवर्क किया तो पिट जाओगे, ध्यान रखना इस बात का, अगली बार ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए? बोलते लेकिन क्या उसके बाद भी कुछ हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब तो भैया बस अंतर इतना है कि आपने एक साल पढ़ाई को कंटिन्यू किया इसलिए आप यहाँ खड़े हो, और अगर हमने भी कंटिन्यू किया तो हम भी यहाँ खड़े होंगे। अंतर सिर्फ एक आएगा कि अगर हमने डिसकंटिन्यू कर दिया ये सब सोच के कि ये सिर्फ हमारे साथ ही होता है दुनिया में, बाकी किसी के साथ नहीं होता। टॉपर तो बहुत बड़े होते हैं, टॉपर तो पहले से पढ़ के आते हैं, टॉपर को तो सब आता है, हमें कुछ नहीं आता, ये सब गलतफहमी है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, नहीं किया था? बताओ। मैं बोलता था, नहीं बोलता था कि देखो मेरे को तो सबकी पता होती है, मैं कैसे बताऊं तुम्हें, मुझे तो सब पता है। अभी ये सच ईमानदार खड़ा है इसलिए झूठ नहीं बोल सकते मेरे सामने।
पूरे साल भर। अच्छा मजेदार चीज छोड़ो, ठीक है, चैलेंज की बात बोलता हूँ जो मैं हमेशा क्लास में बोलता था, ये सामने खड़ा है अगर सही है कि नहीं है, ठीक है, ध्यान सुनना। भावेश गुरनानी, आयुष और हर्ष पूनिया, ठीक है, जेई मेंस रहेगा किसकी, आयुष की टॉप, ठीक, फेलिसिटेशन फंक्शन चल रहा मस्त और सबको उसको प्राइज राइज मिला, ठीक है, 51,000 रुपए दिए उसको, बढ़िया है ना, ये इसकी शक्ल मैंने देख ली, सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं सिर्फ ऑब्जर्व किया, ऐसे बैठा हुआ, मैंने इसकी शक्ल देखी, मैंने उसको बुलाया, क्या हुआ, कुछ नहीं, मैं कहा हुआ गया, ऐसे एकदम घबराया हुआ, तो क्या हुआ, बोला नहीं हमें कौन पूछेगा, ये डायलॉग था इसका, एग्जैक्ट डायलॉग, हमें कौन पूछेगा, हुआ क्या, बोला नहीं कुछ नहीं बस, मैंने कहा यार तेरी शक्ल तो बता रही कुछ है, प्रॉब्लम है, बोला नहीं सर मुझे नहीं लग रहा कि मेरा हो पाएगा अच्छे से, रैंक वगैरह आ पाएगी, ऐसे बहुत डिमोटिवेटेड फॉर्म। उसके बाद मैंने इसके आधे घंटे से इसको समझाया हुआ बिठा के, और एक लाइन गारंटी के साथ बोली थी इसको, ये पूछ लो ये खड़ा हुआ है, मैंने इसको डायरेक्ट बोला था कि देख मैंने पढ़ाया है, मुझे मालूम है जेई मेंस में भले ही उसकी रैंक अच्छी है, एडवांस में सिर्फ तेरी आएगी, ये गारंटी से बोला था इसको, पूछ लो आप आज ईमानदारी से, बोला था नहीं बोला था, ये बोला आएगी तेरी एडवांस में, और ये भी बोला था कि तू एडवांस मटेरियल टेंशन मत ले, नहीं होगा मेंस का, इसमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि तू एडवांस, यही वर्ड था ना, एडवांस मटेरियल है, यही बोला था मैंने इसको कि तू एडवांस मटेरियल तेरी आएगी, और ये बहुत डिप्रेस था, तेरी कौन सी थी जेई मेंस की, 600-700 600 समथिंग थी इसकी जेई मेंस की, और उसकी तेरे उसकी कितनी थी, वन, आयुष की कितनी आई थी उस समय, 53, हाँ 600 और 53, और टीचर देखो मेरे लिए तो तीनों बराबर है, लेकिन फिर भी मैंने क्या बोला, डायरेक्ट रैंक तो तेरी आएगी, टॉप 100 आएगी, ये भी बोला था, टेंशन मत ले, और ये भी बोला था कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, किस्मत अच्छी कि मिल गया, क्योंकि 67 गया भी बताया इसने, बाकी मुझे ऐसा लग रहा था कि आईडी दिल्ली में होगा, क्योंकि उसके बाद बात नहीं है ना, सिलेक्शन के बाद बात थोड़ी करते हैं, हो गया सर अब ठीक है, थैंक यू, मजाक कर रहा हूँ, बट मैं इन सब बातों को सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूँ कि अभी जैसे हम इसको देखेंगे या आप अपने आप को देखोगे तो आप क्या सोचोगे, सॉरी कंडीशन ऐसी लगेगी नहीं लगेगी, नहीं बिल्कुल आइडियल हो, इनको लगेगा तो डिमोटिवेट भी नहीं होता, तेने तो होमवर्क सारा किया हुआ होगा, तो ये बेचारे क्या है, एक महीने तक तो कर लेंगे चलो खींच खांच के, पर अच्छे से कितना भी बड़ा धुरंधर हो, एक महीने के बाद तो उसकी भी हालत खराब हो जाती है, वो भी डिमोटिवेट होता है, वो भी डिप्रेस होता है, उसका भी होमवर्क छूटता है, वो भी एवरेज काउंट होता है। आज अगर आप भैया को टॉप पे देख रहे हो तो ये नहीं देख रहे हो कि इन्होंने रोज इतनी मेहनत की जितनी आप कर रहे हो, ये क्या है, एवरेज काउंट हुआ इसका, मतलब 7 days जो इसे पढ़ा होगा वो 7 days में 2 दिन इसके खराब हुए होंगे, लेकिन ये 5 दिन बहुत अच्छा पड़ा होगा। हमारे साथ दिक्कत क्या होती है कि हम वो 5 दिन सिर्फ उन 2 दिन खराब होने के बारे में सोचते रहते हैं, और ये मान लेते कि 2 दिन खराब हो गए इसलिए मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो टॉपर होते हैं ना वो तो 2 दिन क्या 2 मिनट भी खराब नहीं करते हैं, ऐसी आपकी फीलिंग्स होती हैं, वो सही होती है लेकिन वो एक एवरेज होती है, जैसे 6 महीने 7 महीने 10 महीने का आपका टॉपिक है तो 10 महीने का एवरेज निकालो तो 7-8 महीने बहुत अच्छे से पढ़ते हैं एवरेज, और हम गलती क्या करते थे, हम 3 महीने पढ़ते हैं 7 महीने नहीं पढ़ते हैं, बस ये डिफरेंस होता है। अब मैं नहीं बोलूं ज्यादा, नहीं तो लगेगा आप खुद ही बोलना था तो खुद ही बोल लेते, मैं तो सिर्फ एक ऐसा आपके बीच में और इसके बीच में कनेक्शन बिठाने की कोशिश कर रहा था कि आप थोड़ा फ्रीली पूछ सको और अपने इमेजिनेशन को इस लेवल पर नहीं लेकर आओ कि आपको ये ऐसा लगे कि भैया हमारे लिए तो इम्पॉसिबल टास्क है, मैं ये कहना चाह रहा था। तो इसकी बातों को ऐसे समझना है कि पॉसिबल टास्क है, ये भी जो आज यहाँ खड़ा होकर एक्सप्लेन कर रहा है तो आप भी पॉसिबल टास्क हो जाओगे अगले साल अगर आप ढंग से मानोगे चीजों को, तो बस सही बोला ना। अच्छा एवरेज चीज को बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं कि मैं एक दिन में बहुत पढ़ लूंगा, वो नहीं करना है आपको, और आप ऑफलाइन में हो तो ये एवरेज के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करना है कि यार आज नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, कल पढ़ लूंगा, बहुत ज्यादा पढ़ लूंगा, पूरी रात पढ़ लूंगा, ऐसा नहीं करना है। दूसरी बात डिसिप्लिन में बहुत रहना पड़ेगा आपको, एक सर्टेन टाइम स्लीप के लिए अलॉट करना पड़ेगा यार, स्लीप साइकिल बहुत जरूरी है क्योंकि आप क्लास में भी आते हो, ऐसा नहीं है कि आप 11 बजे उठ रहे हो ऑनलाइन कभी भी देख सकते हो, ये मेरे साथ हुआ था। अच्छा एक बात ऐसी है यार, जेई के लिए प्रिपेयर कैसे करना है ये सबको पता चल जाता है जेई के बाद,
ठीक है, आप भी मेरी जैसी बातें बोल लोगे जेई देने के बाद, आपका कुछ भी रिजल्ट है बोल लोगे आप, लेकिन जेई के पहले आपको दूसरों की गलतियों से सीख लेना है। जैसे आईओसी में मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, मैं आईओसी में रेगुलर नहीं था, मैं समझता था यार एग्जाम के एक दिन पहले उठा लूंगा सब कुछ खुद पढ़ लूंगा, सोचता था 10 घंटे पढ़ लूंगा आईओसी, 5 घंटे पढ़ लूंगा याद हो जाएगा, वो याद नहीं होता है। बाकी सब्जेक्ट में तो बहुत लोग सोचते हैं कि यार ऐसा नहीं हो पाएगा एक दिन में, तो मैं मैथ्स तो नहीं पढ़ सकता, कोई ऐसा नहीं सोचता होगा मैं एक दिन में सारी फिजिक्स कर लूंगा, बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में भी नहीं सोचते हैं, तो आईओसी के बारे में सोच लेते हैं कभी कभार कि मैं याद ही तो करना है। नहीं, याद की बात नहीं है, आईओसी को अगर आप याद की तरह देखोगे तो आप आईओसी नहीं कर पाओगे, रोज धीरे धीरे कंसेप्ट बिल्ड होते हैं, तो आईओसी को ऐसे इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि मैं इग्नोर करता गया था कि मैं लास्ट में हो जाएगा लास्ट में हो जाएगा, लास्ट में वो नहीं हो पाता है, बिल्कुल नहीं हो पाता है। दूसरी बात, स्मार्टफोन किस किस के पास है? अच्छा, क्या क्या रीजन है मतलब स्मार्टफोन के? ऑफलाइन, आप सब लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, थोड़ा ऑनलाइन का भी है, मिक्स है, पेपर डिस्कशन ऑन। अच्छा ठीक है, सोशल मीडिया पे कौन कौन है? बिल्कुल नहीं होना है मतलब, किस किस टाइप के पे हो? यूट्यूब बिल्कुल नहीं। अच्छा, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको लगता है यार मैं कुछ सीख रहा हूँ, बट वो प्योर टाइम वेस्ट है, यूट्यूब आपके पास बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, फोन में होना ही नहीं चाहिए यूट्यूब। क्या डिसेबल हो जाता है? मुझे पता है, अनइंस्टॉल नहीं होता है, उसको डिसेबल करके ही रखना है। और व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे क्या क्या करते हो? चैटिंग नहीं करनी व्हाट्सएप पे? अच्छा यार, ग्रुप डिस्कशन मेरे हिसाब से बहुत थोड़ा वेस्ट ऑफ टाइम होता है, क्योंकि आप 100 लोग डाल रहे हैं ना ग्रुप पे, तो डाउट्स आप सबके डाउट्स देखोगे, आपको वो नहीं करना है। ग्रुप डिस्कशन पे आपका काम है, सब अपना डाउट डालो, टीचर आपको सॉल्व करेगा। दूसरी बात है, व्हाट्सएप पे आपको ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने नहीं है कि मतलब आपको यहाँ वहां से नोट्स लेने हो कि यार ये इसके नोट्स दे दे उसके नोट्स दे दे, ठीक है? आप जितना कम स्मार्टफोन पे रिलाई करो उतना अच्छा है। और क्या क्या स्मार्टफोन पे और क्या क्या करते हो? एसकेएम सर के फोटो ले लेते हो गए यार? ओके ओके, मेरे कुछ क्लासमेट्स लेते थे फोटो, बट तो फोटो लेने के बाद फिर लिखते नहीं हो क्या क्लास में? हाँ ठीक है ठीक है, कर लिया करो। हाँ ओके, हाँ ये कर लिया करो, ठीक है। बट उसको फोटो लेने के बाद क्या होता है, कुछ लोगों को लगता है ठीक है मैं कल कर लूंगा, ये तो मेरे पास है एग्जाम के एक वीक पहले देख लूंगा, ऐसा नहीं है, रोज के नोट्स रोज ही कंप्लीट करने हैं। जैसे मैं फोटो नहीं लेता, मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था तो मैं नोट्स लेके ही जाता था, सॉरी हाँ नोट्स करके ही जाता था मैं क्लास में। जैसे हमारी क्लास मान लो 1:30 बजे भी खत्म हो गई, हम लोग 2:30 बजे तक ग्रुप के नोट्स पूरे लिख लेते अच्छे से। अच्छा मिटा देते हैं क्या सर? हाँ हाँ ओके ओके ठीक है, फिर फोटो लेके आप उसी दिन पर उसे लिखिए, उसको पेंडिंग नहीं रखना है। दूसरी बात, टेस्ट का एनालिसिस तभी कर लेना है टेस्ट के बाद ही, ठीक है? टेस्ट के बाद, टेस्ट के अगले दिन ऐसा कोई सवाल रहना नहीं, अगर आपको सेम टेस्ट अगले दिन दे दिया जाए तो आपको एटलीस्ट कम से कम सारे सवाल तो कर ही लेने हैं, मतलब शायद टाइमिंग का कुछ इशू हो, फुल तो नहीं ला पाओगे शायद, पर आपको हर सवाल आना तो चाहिए ही, स्पेशली हर सवाल को सॉल्व कैसे करना है। दूसरी बात की एग्जाम में मुझे इसे कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि सबसे कम टाइम में मैं सबसे एक्यूरेट आंसर कैसे ला सकता हूँ। इसमें ऐसा है कि पहले आप वो सब्जेक्ट अटेम्प्ट करिए जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, जैसे मैं फिजिक्स करता था, आपको वो सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना है जिसमें आप अच्छे से कर सको, एग्जाम में कॉन्फिडेंस से जाओ, ऐसा सब्जेक्ट मत उठा लेना जिससे आप डीमोटिवेट हो जाओ, ठीक है? ये बहुत जरूरी है। इनफैक्ट अगर अगर आपको सपोज लग रहा है आपका फेवरेट सब्जेक्ट टफ आ गया है, थोड़ा एक दो सवाल आपसे नहीं है, मूव ऑन कर जाओ, ठीक है? ज्यादा टाइम एक सवाल पे वेस्ट नहीं करना है, एटलीस्ट एक स्ट्रेच में तो नहीं करना है, थोड़ा अगर आपको कुछ भी स्ट्राइक हो ही नहीं रहा है तो मूव ऑन कर जाओ, दूसरा सवाल उठा लो, ठीक है? क्योंकि एग्जाम टेम्परमेंट बहुत जरूरी है, आप एग्जाम के बीच में आप डिमोटिवेटेड नहीं हो सकते हो कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, कोई सवाल नहीं हो रहा उसको लास्ट में कर लो। और कुछ अच्छा, जैसे मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास नोट्स, क्लास इलस्ट्रेशंस। मैथ्स में फॉर्मूले आपको हमेशा याद रखने हैं, फॉर्मूले मैथ्स में आप डिराइव नहीं कर सकते हो, फॉर्मूले मैथ्स में आपको आने चाहिए फॉर्मूले, ठीक
ठीक है, मैथ्स में फॉर्मूले बहुत जरूरी हैं, और फिजिक्स में फॉर्मूलों पे रिलाई इतना नहीं करना है। फिजिक्स में आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, वेव्स, सपोज वेव्स, साउंड, ये सब, वेव ऑप्टिक्स, इन सब में फॉर्मूले थोड़े ज्यादा हैं, बट उसमें भी आपको फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है आपको हर फॉर्मूला समझ आना चाहिए। कोई भी फॉर्मूला फिजिक्स में ऐसा होना नहीं चाहिए जिसको आपने बस याद कर लिया है कि उसमें इसको अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, फिजिक्स को केस बाय केस बिल्कुल नहीं पढ़ना है कि यार ये केस में मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगा, ये केस में मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगा। क्या ये मेरे को नहीं है ना, नहीं मतलब टेस्ट एनालिसिस, यार जो सवाल नहीं हुए हैं, मतलब रिजल्ट कब आता है, कितने देर बाद आता है? हाँ सही, क्या 3-4 दिन बाद? हाँ बस बस बस, रिजल्ट से कोई मतलब नहीं, मतलब आप नहीं, आंसर की से मेरा मतलब है। हाँ 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 बस बस बस, तुरंत ही आ जाती है ना, उसी दिन खत्म कर लेना है उसे। जैसे 9 से 12, 2 से 5 आपका टेस्ट हुआ, 12 से 2 में आप कुछ भी करो। मैं सो जाता था, मैं कुछ नहीं पढ़ता था, मैं सो जाता था आराम से खा पी के, मतलब मैं उसमें उसके बीच में कुछ पढ़ता नहीं था। आप जो भी करो 12 से 2 में कुछ भी करो, उसी दिन पर आपको टेस्ट का एनालिसिस कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, कि कौन सा सवाल क्यों गलत हुआ मेरा। ऐसा हो सकता है कि आपको सवाल आया ही नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं चला इसमें क्या करना है, तो उसको वो टॉपिक आपको एक बार पढ़ लेना है। यार हमें अलग तरीके से पढ़ाया था, मैं क्या बोलूं इसमें। यार उन केसेस को बस समझ लेना, उसको मतलब आपको केस रटने की बात नहीं, अगर केस बाय केस ठीक है, बट आपको उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मुझे याद करने पड़ रहे हैं केसेस। आपको केस देख के समझ आ जाना चाहिए कि ये हम क्यों लगा रहे हैं फॉर्मूला। बात ये है कि किसी भी चीज को आपको याद करने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए कि यार ये मुझे केस याद नहीं आ रहा। केस बाय केस में मतलब दिक्कत बस इतनी सी है, आपको आप यही सोचते रह जाओगे कौन से केस में क्या लगाना है, और ऐसा होता है कि हर सवाल केस में फिट नहीं होगा स्ट्रिक्टली, तो आप सिर्फ उन केसेस में बाउंड हो जाते हो आपकी थिंकिंग, आप फॉर्मूला ही लगाते रह जाते हो। तो मेरा वो मतलब था कि थोड़ा फॉर्मूले से बाहर सोचना है फिजिक्स में। यार हमारे इसको बिग फैन को बताओ यार, इरोडो सॉल्व करता है या नहीं, कैसे करनी है बता। बहुत अच्छा, आप 11th में हो क्या? छोटे-छोटे बच्चे, इसीलिए मैं थोड़ा कंट्रोल कर रहा हूं, इनको पता नहीं क्या होता है जिंदगी जी रहे हैं, बैकलॉग का आएंगे। यार इरोडो मैम नहीं, नहीं सही है, इरोडोव अच्छा है। पिछले टेस्ट में से 300 में से 295 थे। टेस्ट के रिजल्ट्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, टेस्ट का पर्पस बस ये होना चाहिए कि आपको टेस्ट के बाद एनालिसिस बहुत जरूरी है। बस टेस्ट का पर्पस ये है कि आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सको। ठीक है, रिजल्ट का ज्यादा सोचना नहीं है, कम नंबर है या ज्यादा नंबर है, एनालिसिस बहुत जरूरी है टेस्ट का। और इरोडोव की जहां तक बात है, इरोडोव अच्छी बुक है, बट इरोडोव को खुद से मत करना, टीचर से पूछना कौन से सवाल करने हैं। इरोडोव कभी भी ऐसा नहीं कि मैं ये चैप्टर खोल लिया मैं लगाने लग जाऊं, ऐसा नहीं है। टीचर आपको बताएंगे कि ये प्रॉब्लम सिलेबस में है, ये प्रॉब्लम रेलेवेंट है, आप ये करिए। ठीक है, और बाकी इरोडोव कुछ बहुत एक काम जो देयर इज शार्प लाइन, पहले जिंदगी झंड थी अब मस्त है, यही है। इसमें बताना क्या है, पहले टाइम नहीं था खर्च कैसे करें, अब टाइम इतना कि खर्च कैसे करें। नहीं समझे बात, यही डिफरेंस होता है और कुछ डिफरेंस नहीं होता है, यही आई टी पढ़ाई से रिलेटेड डाउट पूछो ईमानदारी वाले। हाँ रिवीजन कैसे करें, ये बिल्कुल सही पूछ रहा है, तू पूछ बेटा। टाइम लगता है तो लगना ही पड़ेगा ना, एडवांस दे रहा है, मजाक कर रहा है, तू खेल रहा है गली मोहल्ले में, टाइम तो लगेगा पहली बार में, तो इनसे भी लगता था, पूछो। टाइम किस चीज में लग रहा है, मतलब क्या तो कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करना है, यही नहीं समझ आ रहा है, कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है। तो कभी-कभार समझ नहीं आता कि कौन सी टर्म लगा, आंसर आ जाता है, टाइम ज्यादा लगता है।
अच्छा कैलकुलेशन का तो एक ही हिसाब है, प्रैक्टिस से होगी कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन की स्पीड तो आपको प्रैक्टिस से इंक्रीज करनी पड़ेगी। बाकी मैथ्स में अगर आपने नोट्स अपने अच्छे से रिवाइज करे होंगे तो आइडियाज जल्दी स्ट्राइक होते हैं। कभी कभार होता है कि नहीं, इसमें आपको एक चीज बहुत अच्छी पूछनी चाहिए, आप नहीं पूछ रहे हो, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। आप ये पूछो एक बहुत अच्छी चीज जो हमेशा मैं क्लास में बोलता हूँ, आप इनसे ये पूछो कि भैया जब आप 11वीं में आए थे और आपने स्टार्ट किया, तो उससे लेकर के जब आप 12वीं के आखिरी तक गए, तब आपकी जो जर्नी रही, उस जर्नी से आपको क्या ये कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ कि आप अच्छी रैंक ला पाओगे, एक चीज। दूसरी चीज ये पूछो कि क्या भैया हम भी अगर 11th तक 12th तक अच्छे से पढ़ते रहे, क्लास रेगुलर की, तो क्या ऐसा आपको लगता है कि भैया रैंक आ सकती है? क्योंकि आपके पास ये दो ही सबसे बड़े टास्क हैं अभी, और आप इन दो टास्क में से सबसे बड़ा टास्क मिस करने वाले हो, वो है क्लास। आप डिमोटिवेट हो गए, डर के, घबरा गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, टेंशन लेकर क्या करते हो कि गलती क्लासेस मिस करना, और जैसे ही आपने वो मिस किया फिर ये सारी स्ट्रेटजी बर्बाद है। तो जब इनसे ही पूछो, ये भी आए थे तो आप ही की तरह थे, छोटे से चुन्ने मुन्ने से, ये भी जब हमें पढ़ाते थे हम व्हाट इज केमिस्ट्री, तो ये पूछते थे सर एक बार और बता दो। और इसी की बात बताता हूं मैं आपको, चार बार पूछता था एक सवाल को, ये पूछ लो पहले ईमानदारी से स्टार्टिंग में, तो और डाउट इसी को पूरी क्लास में आते थे इनऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, पूछो आप, सोच सकते हो इनऑर्गेनिक में डाउट पूछ सकता है कोई, ये पूछता था। हाँ हाँ अच्छे डाउट होते थे, नहीं ये तो पूछता दोबारा बता दो, वो डाउट पूछते, दोनों में अंतर है, डाउट पूछता था, पूछ लो अब। हाँ यार आते थे इसको कि ऐसे नहीं, ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, वो कहते उससे सीखा ना, धीरे धीरे वो डाउट खत्म होना शुरू है ना फिर, क्यों क्यों खत्म हुए बताओ, क्योंकि वो जो थ्योरी की थी पहले उससे अप्लाई करता था ये, तो डाउट आते थे, वो थ्योरी धीरे धीरे खत्म हुई और नई थ्योरी जो जो मैं पढ़ा रहा था वो एंटर किया इसको, वो एंटर करने के बाद उससे जब अप्लाई करते हैं तो आपके डाउट क्लियर होते। दैट मीन्स ये मैं समझाना चाहता हूँ कि जैसे अभी 11th खत्म हुआ, अब आप 12th में आओगे, जब आप 12th में आओगे तो आपकी 11th की जो थ्योरी है अब वो सही हुई है, क्योंकि अब ये पूरी पड़ी है यहां से। अब आप 12th में जब उस थ्योरी को अप्लाई करोगे तो आपके लिए इजी अब होना शुरू होगा, यानी आपने जो मेहनत की उसका फल मिलने का समय अब आया, और आप गलती क्या करोगे, आप छोड़ दोगे, ये नहीं करना। तो जब इनसे ही पूछो, ये भी आए थे तो आप ही की तरह थे, छोटे से चुन्ने मुन्ने से, ये भी जब हमें पढ़ाते थे हम व्हाट इज केमिस्ट्री, तो ये पूछते थे सर एक बार और बता दो। और इसी की बात बताता हूं मैं आपको, चार बार पूछता था एक सवाल को, ये पूछ लो पहले ईमानदारी से स्टार्टिंग में, तो और डाउट इसी को पूरी क्लास में आते थे इनऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, पूछो आप, सोच सकते हो इनऑर्गेनिक में डाउट पूछ सकता है कोई, ये पूछता था। हाँ हाँ अच्छे डाउट होते थे, नहीं ये तो पूछता दोबारा बता दो, वो डाउट पूछते, दोनों में अंतर है, डाउट पूछता था, पूछ लो अब। हाँ यार आते थे इसको कि ऐसे नहीं, ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, वो कहते उससे सीखा ना, धीरे धीरे वो डाउट खत्म होना शुरू है ना फिर, क्यों क्यों खत्म हुए बताओ, क्योंकि वो जो थ्योरी की थी पहले उससे अप्लाई करता था ये, तो डाउट आते थे, वो थ्योरी धीरे धीरे खत्म हुई और नई थ्योरी जो मैं पढ़ा रहा था वो एंटर किया इसको, वो एंटर करने के बाद उससे जब अप्लाई करते हैं तो आपके डाउट क्लियर होते। दैट मींस ये मैं समझाना चाहता हूं कि जैसे अभी 11th खत्म हुआ, अब आप 12th में आओगे, जब आप 12th में आओगे तो आपकी 11th की जो थ्योरी है अब वो सही हुई है, क्योंकि अब ये पूरी पड़ी है यहां से। अब आप 12th में जब उस थ्योरी को अप्लाई करोगे तो आपके लिए इजी अब होना शुरू होगा, यानी आपने जो मेहनत की उसका फल मिलने का समय अब आया, और आप गलती क्या करोगे, आप छोड़ दोगे, ये नहीं करना। मतलब आपने मान लिया कि आपसे नहीं होगा, एक पैरामीटर ये है, और एक पैरामीटर ये भी है कि जेई ने कहा कि 11th हो गया तो आधा हो गया, अब 12th और कर ले आधा, बस खत्म, सिलेक्शन हो जाएगा, तो पैरामीटर आपका नहीं चलेगा, जेई वाले का चलेगा ना। तो आपने मान के बैठ लिया कि आपका नहीं होगा, 11th हो गया बर्बाद, अब कुछ नहीं होने वाला, ये पैरामीटर थोड़ा ऐसे भी पूछो, पहले एक ओवरऑल तो पूछो कि क्या सही में अगर मैं रेगुलर 11th में रहूं, क्लास में आ जाऊं, 12th में आऊं, तो क्या लेवल बढ़ता है क्या? ये बढ़ता है तभी तो 61 आई है, कुछ तो इम्प्रूव हुआ होगा, मेहनत की होगी उसका फायदा हुआ होगा। तो पहले गोल सेट करो कि हाँ मेरे को रेगुलर तो क्लास में आना ही है, मतलब एक तो स्टैंडर्ड फिक्स हो गया, क्लास तो मिस नहीं करनी,
चाहे मुझे समझ में आए चाहे नहीं आए, कुछ भी बैठना तो है, टाइम वेस्ट आधे से ज्यादा बच जाता है अगर क्लास आते हैं तो। डिस्ट्रेक्शन से बच गए, दोस्तों से बच गए, डीमोटिवेशन से बच गए, फ्रस्ट्रेशन से बच गए, इनसिक्योरिटी से बच गए, कितने सारे तो ऐसे ही निकाल दिए, मोबाइल से बच गए। लगना पड़ेगा, अच्छा, क्योंकि आपको टीचर से नहीं, आपको आईआईटी से मतलब होना चाहिए। नहीं लगेगा, अगर आप चाहोगे तो लगने लग जाता है धीरे धीरे, वो आप चाहते नहीं हो, आप एडजस्ट नहीं करते, इस चक्कर में गड़बड़ हो जाती है। फिर मेरा बोलना था हम लोग जे कर जा रहे हैं तो ये अभी एक साल बस बचा है तो उनका टारगेट बहुत बड़ा है। जैसे बच्चों का क्या होता है, फूड बहुत अच्छा लगता है, गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है, फिर जो छोटे मोटे काम अच्छे लगते हैं, तो ये सबको एकदम हटा दे कि पूरा फोकस होकर पढ़ाई करना चाहिए कि ये सब भी थोड़ा चल रहा है। ठीक है ठीक है। तो यार आप 24 आवर्स तो नहीं पढ़ सकते हो, कुछ टाइम टाइम ऑफ में क्या करते हो? मान लो ब्रेक ले लिया, मान लो 3 घंटे पढ़ लिया, फिर क्या करते हो? अच्छा कोई गेम तो नहीं खेलता? गेम डाउनलोड, ठीक है। गाने सुनते हो? गाने यार दिमाग में स्टक होते हैं क्या? वैसे नहीं सुनने, फिर गाने नहीं सुनने यार। देखो गाने सुन सकते हो बट हाँ यार वो डिपेंड करता है कि आप, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई करते करते गाने हम कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए, वैसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा दूसरी बात है यार, आपको एक समय कुछ बता तुम। अच्छा यार क्लास में ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्लास में ऐसा कभी नहीं आना है कि नींद आ रही है, मन नहीं हो रहा है ना, बोर हो रहे हैं, दोस्तों से बात करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है क्लास में। क्लास में यार 90 मिनट्स टोटल आपका सारा अटेंशन टीचर पे होना चाहिए, बोर्ड पे होना चाहिए, और स्पेशली यार मैथ्स में, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स का नहीं पता, मैथ्स में बहुत सारी चीजें टीचर ओरली बता देते हैं, उन चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, हर चीज ब्लैक बोर्ड पे नहीं बताई जाती है। लोगों को क्या लगता है यार सर ने तो ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा ही नहीं, आपको जो टीचर बोल रहे हैं उस पर बहुत ध्यान देना है, क्लास में ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपको अपनी दुनिया में नहीं रहना है क्लास में, बिल्कुल भी नहीं। क्लास में अगर आप अपनी दुनिया में हो, अगर आपको नींद आ रही है, फिर कुछ भी है, सोच रहे हो घर जाके मैं यहाँ से पढ़ लूंगा वहां से पढ़ लूंगा, ऐसा नहीं करना है। क्लास में ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्लास में टीचर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं जो आपके आपको तभी याद रहेंगी जब आप ध्यान देंगे क्लास में उसे, ठीक है। बुक से पढ़ना यार अगर सब लोग खुद ही से पढ़ लेते तो कोचिंगों का पर्पज नहीं रहता ना, टीचर जरूरी होता है। दूसरी बात, आपको अपनी प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस रखना है, आप ये बस ध्यान में रखिए कि अगर जो आपके टीचर्स आपको सारी मॉड्यूल्स दे रहे हैं, अगर आपके क्लास नोट्स अच्छे से रिवाइज्ड हैं, अगर आपने सारे अपनी शीट्स को अच्छे से किया हुआ है, तो आप ये कॉन्फिडेंस रखिए, आप बहुत अच्छा रैंक ला सकते हैं। कॉम्पिटिशन कोई चीज नहीं होती, आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है इस एग्जाम में इतने लोग बैठते हैं इतने लोग बैठते हैं, आपको अपनी प्रिपरेशन पे कमांड लाना है कि यार मेरे कौन से कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, आपको बस उसके बारे में सोचना है, ठीक है। मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा खराब इसीलिए होती है कि यार ये मैं कैसे करूंगा, कि मतलब मेरे में क्या अलग है, वो क्यों नहीं होगा सिलेक्ट, मैं क्यों नहीं, आपको ये सोचना ही नहीं है, आपको अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है बस। रिवीजन में जैसे मैथ्स में मैंने बोला क्लास नोट्स बहुत जरूरी है, फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए, फॉर्मूले में और फॉर्मूले अच्छे से याद करने, ऐसे नहीं है कि यार मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ ये टर्म है यहाँ पे या नहीं है, वो लैक ऑफ मेहनत है। मैथ्स में आप जितनी मेहनत करोगे आपको उतना अच्छा रहेगा मैथ्स में, आपको फॉर्मूले उतने याद रहेंगे, आपको कॉन्सेप्ट्स आपने जो सीखे हैं उनको आप कैसे प्रॉब्लम में उतनी जल्दी अप्लाई कर पाओगे। मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आप जो टीचर ने सवाल कराए हैं, अगर आप टीचर जैसे सवाल में क्लास देते हैं सॉरी क्लास में सवाल देते होंगे वो या तो आपसे वही हो गए होंगे, टीचर टाइम देते होंगे ना थोड़ा सवाल करने का, अगर वो नहीं भी हुए आपको हर रोज घर जाके सारे सवाल रिव्यू करने हैं, एक दो अगर आपसे अभी अगर आपको नहीं समझ आया टीचर ने क्या बोला है, फिर आप थोड़े कभी कभार होते समझ आ जाता है बट टीचर ने कैसे किया, टीचर ने सोचा कैसे, उसके साथ थोड़ा कंफर्टेबल होना पड़ेगा, उसको एक दो बार और थोड़ा देखो, उसको खुद से करो। ताली बजाओ, कैसे बैठे बैठे ऐसे सम्मान भैया के लिए जोरदार तालियों के साथ। एक राउंड इधर से एक राउंड उधर से वेव करके चल जाए, इनको अगर फोटो वोटो खिंचाना है, पर्सनल कुछ पूछना है तो 2 मिनट ऐसे ऐसे मिलते हुए, हाँ कुछ को पर्सनली कुछ लेना हो तो एक वेव करता हुआ, और फोटो लेना है तो ले लो ना। ये देखा पर्सनली क्या होता है ना, थोड़ा मतलब
कितना भी ऐसे स्टेज पे खड़े होके बोल लो, लेकिन एक हल्का सा तो एक है ना, मन में रह जाता है वो। ये तो मानते ना कि मैं समझता तो सब, टीचर तो इंटेलिजेंट है तुम्हारा, क्योंकि यहां बोलने में ठीक पता क्या लगता कईयों को, हाँ ठीक है मैं अकेले में बात करूंगा, जबकि सारी बातें वही बोली है, फिर भी एक बार तो लगता है बस। अब इतनी देर थोड़ी कहा था मैंने, इधर बोलेंगे ना, इसीलिए पर्सनली बोला है कि एक एक करके। पूछना चाहिए यार, सब पूछना चाहिए इसका। आ गया परफॉर्म, तू कब से इंटेलिजेंट हो गया? हाँ? यार मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा, अरे मतलब कंट्रोल करूंगा, रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी तेरे को वहां, तेरे को लग रहा है। मैंने उसको रेस्पेक्ट नहीं तुझे क्या दूंगा। अरे इतना नहीं पूछना था वे, हो गया अभी, इधर नहीं बुला रहा मैं, बहुत टाइम हो जा रहा है यार। देखो